जी कहते हैं एको सुमिरो नानका जल थल रयो समा। कहते हैं एक जो परमेश्वर है और उस परमेश्वर का एक जो नाम है वो जल में थल में पिंड में ब्रह्मांड में अंदर बाहर सब जगह जो है वो समाया हुआ है। एको सुमिरो नानका जल थल रयो समाय दूजे काए सुमिरिए जन्मत ही मरना। अगर दूसरा कोई नाम है तो गुणवाचक नाम हो सकता है, रहस्यवाचक नाम हो सकता है, संबोधक नाम हो सकता है, लेकिन दूसरा कोई नाम नहीं है। इसलिए उस नाम को जानो कि वो कौन सा नाम है। तुलसीदास जी ने उस नाम के लिए इशारा किया है। क्या इशारा किया है बताते हैं। ये नाम और नामी जो है वो सतलोक से शुरू हुआ है। सतलोक के ऊपर अलग अगम और अनाम है। अनाम है जहां कोई नाम नहीं है और उसके ऊपर कोई चीज नहीं है। जो सत्य पुरुष है वहीं से सुरत और शब्द का आविर्भाव हुआ है। वहीं से ये रूह जो है शब्द के सहित आई है। जब ये शरीर में शब्द जो है प्रवेश करता है सचखंड से तब वहां पर सत्य शब्द प्रकट होता है। सत्य शब्द कौन सा है? सा आदा ता या ये नहीं है, ये संबोधक शब्द है। सत्य शब्द प्रकट होता है सचखंड पर। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का पहला अक्षर कौन सा है? आ। चाहे अंग्रेजी हो अंग्रेजी में ए, हिंदी में आ और उर्दू में अलिफ, यानी सभी भाषाओं में आ अक्षर है। तो पहला शब्द जो है सचखंड पर प्रकट हुआ और सचखंड का बिंब जो है तिरछा भमर गुफा पर पड़ा तो भमर गुफा पर जो है वो दूसरा शब्द प्रकट हो गया और फिर दो बिंब पड़े भमर गुफा से भ्रकुटी कमल पर एक बिंब पड़ा तो वहां दो अक्षर प्रकट हुए हंग और छंग। नीचे जो है नाभि पर पड़ा तो वहां भी ढाई अक्षर जो है प्रकट हो गया। कहते कि फोटी पड़े पड़े जग हुआ पंडित हुआ न कोई और ढाई आकर प्रेम के पड़े सोई पंडित। नाभि पर ढाई अक्षर ऊपर को निकलता है आता है बार बार। तुलसीदास जी ने इशारा किया है। तुलसीदास जी कहते हैं क्या कहते कि एक अक्षत्र पिंड में दो अक्षर प्रकट हो गए और ब्रह्मांड में साबित ही रहा। एक अक्षर जो है वो प्रकृति में चला गया। प्रकृति माने ये जो माया है ये जो दास्ता है ये जो दृश्य है ये जो परिणाम है ये जो सो है सो कहते हैं शोभा सो कहते हैं शोभा शोभन दृश्य। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक छत्र एक मुकाट मणे अरे सब पर नन पर जो एक छत्र एक मुकाट मणे सब पर नन पर जो एक छत्र एक मुकाट मणे सब पर नन पर जो तुलसिया वरन विराज सतो तुलसी रघुवर नाम के वरन विराज सतो तुलसिया वरन विराज सतो तुलसी
जी के परम प्यारे भक्तों, रामचरितमानस में कहते हैं कि दो वर्ण जो है जो पिंड में है, नाम के दो भाग हो गए हैं। पहला भाग जो है बताते हैं कि एक छत्र, यानी पहला जो अक्षर है उस पर जो है छत्र लगा हुआ है। छत्र कैसा होता है, जैसे ये ऊपर जो है छत्र लगा हुआ है, ऐसे ही किसी अक्षर पर छत्र लगाओगे तो छत्र का ऐसा रूप होता है। यानी एक ही मात्रा जो है एक छत्र है, क्योंकि छत्र का नीचे जो है स्टैंड भी होता है। तो ओ जो है का पर लगा दो तो हो जाएगा को, खा पे लगा दो तो हो जाएगा खो, और ला पे लगा दो तो हो जाएगा हो, और सा पे लगा दो तो हो जाएगा बोल। जयकारा भोंगरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, एक पर जो है ओ की मात्रा लगी है, और कहते हैं दूसरे पर मुकुटमणि, जो मुकुटों में मणियां होती हैं वो गोल होती हैं। तो एक पर जो है वो बिंद लगा हुआ है, बिंदी, ये दो नीचे अक्षर है ऊपर बिंदी लगी हुई है तो ढाई अक्षर हो जाता है। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जोए, और तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। और जो साबित है वो कैसा है, जो साबित है वो कैसा है, उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सोहम व्रत, सोहम व्रत, अरे सोहम व्रत इसम परमो अखंडा, सोहम व्रत इसम परम अखंडा, सोहम व्रत इसम परम अखंडा। अरे दीप सिखा सोही परम प्रचंडा, दीप सिखा सोही परम प्रचंडा, दीप सिखा सोही परम प्रचंडा। परम अखंडा, वह जो ऊपर जो शिखा माने चोटी, दीप माने दीपक की भी जो ज्योति है वो ऊपर को होती है, ऐसे ही शरीर का जो ऊपरी भाग जो सिर है ऊपर अमर गुफा पर, ये साबित शब्द हो रहा है, और वो भी कैसा अखंड हो रहा है। नीचे वाला जो शब्द है उसका खंड भी हो जाता है। अगर कोई आदमी पानी में गिर जाए
और उसके मुख में पानी भर जाए तो उसकी श्वास बंद हो जाएगी? नहीं हो, हो जाएगी। अगर श्वास बंद हो जाएगी तो उसका जो श्वासों में हो रहा शब्द वो भी बंद हो जाएगा, लेकिन जो ब्रह्मांड में जो शब्द अखंड हो रहा है वो बंद नहीं होगा। और कहते हैं इसके ऊपर जो शब्द है पैर से लेकर के चोटी तक, ये जो है शरीर है और शरीर की सीमा है, शरीर की हद है, और ये काल का बनाया हुआ पुतला है। इस काल के बनाए हुए पुतले के अंदर जो है चैतन्य आत्मा बंद है, और ये चैतन्य आत्मा तड़फड़ा रही है, अपने घर जाना चाहती है, लेकिन इसे मालूम नहीं है कि मेरा घर कहाँ है। संसार में संत और सदगुरु इसे गुमराह कर देते हैं, कोई एक नाम जपने को बताता, कोई पांच नाम बताते, कोई छह नाम बताते, कोई छोटा मंत्र बताता, कोई बड़ा मंत्र बताता, कोई तपस्या बताता करने को, कोई तरह तरह के यत्न बताते, कोई कहता लाल कपड़े रखो, कोई कहता पीले कपड़े रखो, कोई कहता दाढ़ी रखाओ, कोई कहता सुगुण मुंडा कर लो, लेकिन सभी उपाय करने के बावजूद भी खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। चुहिया निकलती है पहाड़ को खोदने के बाद भी कुछ जो है नहीं मालूम पड़ता। वैसे लोगों से पूछो तो कहते हैं अरे और कुछ हमें मिल रहा है, लेकिन उनके पेट में घुस के देखो तो भीतर से खोखला डरो, ढोल के भीतर फोल है, और जो कर रहे ताको डब्बा खोल। प्रेमी भक्तों, ऊपर जो शब्द है कहते हैं कबीर साहब ने ऊपर की बात कही है। अब जो है हद तक की बात जो है रामायण, गीता, पुराण, बाइबल, चार वेद, 18 पुराण, 1-9 उपनिषद, 6-7 कह रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर की बात जो है इनमें से कोई भी शास्त्र नहीं कहता है। केवल कबीर ही एक ऐसे संत हैं जो ऊपर की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हृदय छोड़ के हद गया पर हुआ निरंतर पास, हृदय छोड़ के हद गया हुआ निरंतर पास, हृदय छोड़ के हद गया हुआ निरंतर पास। ऊपर थे निजदास, कमल जो फूला फूल दिन ऊपर थे निजदास, कबीरा ऊपर थे निजदास, कमल जो फूला फूल दिन ऊपर थे निजदास, कबीरा ऊपर थे। वो कैसा है? धुनात्मक है, अवर्णनीय है, जिभ्या से, वाणी से, भाषा से सबसे परे है, और जिसकी शुरुआत जो है शरीर की हद खत्म होने के बाद शुरुआत होती है, उसका तारतम्य तांता जो है सतलोक तक जुड़ा हुआ है। बोल जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो पूरे सदगुरु होते हैं वो उस तार को, उस मकर तार को, उस नेचर शब्द को पकड़ा देते हैं। साधक जो है उसके सहारे से होता हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश के लोगों को पार करता हुआ सतलोक में जाकर के सतपुरुष का दर्शन करता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
एक भजन में कहते हैं, तो याद करे आबाद हो और रहे निरंतर तार, कबीरा वो पहुंचाएगा जिसने पकड़ा तार। भजन में कहते हैं, अरे तेरी याद में चाहतों में रहा हूं, तभी तो तुम्हारा नजारा मिला है, तभी तो तुम्हारा याद में रहा हूं, तुझे ढूंढता रहा कि तू कहां मिलेगा, मेरे साहिब, मेरे साहेब, मेरे हम नसीब, तेरी चाहत करता रहा, लेकिन आज मैंने तुम्हें पाया। कहते हैं, तेरी याद में चाहतों में रहा हूं, तभी तो तुम्हारा नजारा मिला है, मेरी याद में चाहतों में रहा हूँ, तभी तो तुम्हारा नजारा मिला है। तो तुम्हारा नजारा मिला है।